आज शुक्रवार 22 दिसंबर को बीदर के अंबेडकर सर्कल पर बीदर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से 141 से ज्यादा सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ एक विरोध रैली निकाली गई। कांग्रेस के जिला प्रचार समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े के नेतृत्व में निकाली गई। इस विरोध रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के बीदर नगर अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ, परवेज मोहसिन कमाल, बीदर दक्षिण के अध्यक्ष चंद्रशेखर चिनचिट्टी, मोहम्मद करीम, कांग्रेस के भालकी तालुका अध्यक्ष हनुमंत राव चौहान, हुमनाबाद के कांग्रेस नेता मोहम्मद अफसर मियां और दूसरे उपस्थित थे। इस रैली में केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। इस अवसर पर कांग्रेस के नेतागण ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस विरोध रैली के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज का ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, बीजेपी एमपी जो बगैर कोई इंक्वायरी के टिकट देकर जो पार्लियामेंट में पास दिए हैं और जो पार्लियामेंट में सेक्रेटरी के ऊपर जो एक नाकाम हुए हैं और सौदेबाजी किए हैं, उसके ऊपर अंदर पार्लियामेंट में एमपी ने होम मिनिस्टर से सवाल किया तो 142 एमपी को निलंबित कर जो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का काम किए हैं बीजेपी सरकार ने। आज पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम विपक्ष के कार्यकर्ता बीजेपी से सवाल करते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर अपनी मनमानी करना चाहते हैं, क्या हिंदुस्तान में तानाशाही हुकूमत करना चाहते हैं, क्या अमित शाह को इसके बारे में जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हम तमाम लोग पूछते हैं अमित शाह कब जवाब देंगे कि देश के पार्लियामेंट में इतना बड़ा हमला हो गया कि कुछ नुकसान होने से ही आप एक्शन लेते हैं क्या, नुकसान होने से पहले बचा लिए गए, मगर ये बहुत बड़े देश के नाकामी है कि ऐसे काम हुए हैं। वो जो पार्लियामेंट के एमपी उनको टिकट पास देकर अंदर बुलाए, उनको सस्पेंड कर उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालना हमारी तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है। और जो देश के उपराष्ट्रपति है वो भी एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, वो पहले कार्यकर्ता थे होंगे पर आप देश की आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को समझकर पूरे देश के उपाध्यक्ष बनकर काम करिए, आप ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम करें। हमारी तमाम कांग्रेस के और तमाम कार्यकर्ताओं की मांग है कि वो अमित शाह आकर जवाब दे और एमपी को सस्पेंड कर हमारा मांगों को पूरा करे। कांग्रेस पक्ष के आज का ये हमारा प्रोटेस्ट श्रीमान अमृत चिमकोड़ साहब के नेतृत्व में निकाला गया है। इसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट से हमारे कल तक 42-43 लोग थे, 143 लोग थे, आज 46 हो चुके हैं। ये तानाशाही, ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। ये बीजेपी ये समझती है कि अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझकर ये कहती है, ये इसका खमियाजा उसको भुगतना होगा। और हम सब इसके लिए एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ हमारे को ये डायरेक्शन आया है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा एक एजिटेशन सांकेतिक है, अगर इसके बाद भी अगर उन लोगों को वापस उनका सस्पेंशन वापस नहीं लिया जाता है तो फिर से ये एजिटेशन में बहुत ही सख्ती आ जाएगी। ये कहते हुए मैं तमाम आज के आए हुए तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोने कोने से वर्कर्स लीडर्स, बिलखसूस हुमनाबाद, बीदर साउथ, बसवा कल्याण, बीदर सिटी प्रेसिडेंट हमारे औराद, ये सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अली जनाब अमृत चिमकोड़ साहब से कहूँगा कि ये भी आपको इस बारे में कुछ बताएं। आज आपको मालूम है भारत देश के आवाम के अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको पता है। आज भारत देश का संविधान एक ये भारत देश का संसद जो है एक संविधानबद्ध संसद चल रहा है और भारत देश का जो इतिहास है इतिहास के अंदर में आज़ादी के बाद में ये पहली बार हो गए। सो है आपको मालूम है, आप मीडिया को सबको मालूम है कि भारत देश के संसद के ऊपर में ये दूसरी बार हुआ है। पहली बार भी जो है वो बीजेपी के संसद के द्वारा ही पास मिला था
और ये दूसरी बार भी जो है ये बीजेपी के संसद के द्वारा ही पास लेके अंदर घुसे सो है। इस आदरणीय होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब और सम्माननीय प्रधानमंत्री साहब इसका इंक्वायरी करते हुए करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी ना करते हुए बल्कि ये संसद के अंदर में, ये संसद के अंदर में जो ये क्यों हुआ, ये सिक्योरिटी के ऊपर में क्या है बोले तो अविश्वास ऐसा होता क्या है, ऐसा क्यों हुआ बोल के जो प्रश्न पूछते हैं क्वेश्चन, और उसके अंदर में विपक्ष के सांसद जो है इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के जितने भी सांसद हैं उनको जो 141 सांसदों को जो सस्पेंड किया, ये आज सस्पेंड करना ये भारत देश के इतिहास के अंदर में पहली बार है और ये भारत देश के संविधान की हत्या है, ये भारत देश के जमहूरियत जो है, भारत देश की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर में उन्होंने हथियार चलाए सो है, और ऐसा करके ये भारत देश के अंदर में वो तानाशाही उनकी खुद की मोनोपोली चलाना चाहते हैं, विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, ये सब नहीं चलना चाहिए। और भारत देश के अंदर में 140 करोड़ जो देशवासी है आज ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा इलेक्शन के अंदर में इनको कहाँ बिठाना है, कहाँ बिठाना नहीं चाहिए ये सब सोच रहे, इसका जवाब जो है उनको देना, आगे देना पड़ता है। ये जो हो रहा है आज के तारीख के अंदर में भारत देश के अंदर, ये भारत देश का इतिहास आज में जो 141 संसद जो सस्पेंड हो गए, इसमें पूरा विश्व देख रहा है, विश्व के अंदर में पूरा ये चर्चा हो रही है कि भारत देश के अंदर में गलत हो रहा है, पूरा भारत देश के अंदर बुद्धिजीवी इसके ऊपर में सोच रहे, इसके ऊपर में विचार मंथन कर रहे, और ये रुकना चाहिए, ये अर्लीस्ट पॉसिबल ये संसद जो सस्पेंड हो गए इसमें उनको वापस लेना चाहिए, यदि नहीं लेते हैं आने वाले दिनों के अंदर भारत देश का आवाम बीजेपी के खिलाफ में, और ये सम्माननीय प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जो है सम्माननीय अमित शाह जी उनके खिलाफ में पूरा एजिटेशन करने के लिए तैयार रहेगा, इसका खामिया भी क्या है बोले तो आपको भुगतना पड़ेगा, ये आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। अफसर भाई, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से जो पार्लियामेंट पे अनसिक्योरिटी हालात होने के बाद जो बीजेपी का एमपी पास देकर अंदर छोड़ने के बाद अगर कोई और दूसरा एमपी ये बात करता तो आज सब लोग हिंदुस्तान के इतने बीजेपी के जो गठबंधन है इतना उछलते कूदते कि ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ये एक आदमी भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। हमारे इंडिया के जो गठबंधन के एमपी हैं पूरे लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाने के बाद उनको सस्पेंड करते हैं, तो ये मोदी जी और अमित शाह को मेरा जहाँ तक ख्याल है मेरी उम्र में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। 40 साल से हम पॉलिटिक्स में हैं, ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने वालों को सस्पेंड करने का वाक्य ये पहली बार हुआ है। मैं सबसे पहले होम मिनिस्टर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो रिज़ाइन करना चाहिए, उसके बाद इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि ये इख्तदार पर रहने के बाद इंक्वायरी में कोई दम नहीं रहता, ना कोई इंक्वायरी होने देते हैं लोग, क्योंकि ये इतने तानाशाही पर उतर आए हैं कि हिटलर भी ऐसी तानाशाही नहीं करा, इतनी तानाशाही करते आ रहे हैं ये, इनको आने वाले दिनों में हमारे लोग वोटर्स हिंदुस्तान के सेकुलर लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के इस पर जो संविधान पर जो भरोसा करते हैं वो लोग इनको सबक सिखाएंगे। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। फिर सर, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सूचना के हिसाब से आज भारत देश भर में जो बीजेपी का तानाशाही, बीजेपी का गर्व, बीजेपी का घमंड, बीजेपी का हिटलर शाही जो चल रहा है, भारत के संविधान कहते हैं कि प्रजाप्रभुत्व में वोट देने का हक, वोट देने के बाद जहाँ पर भी वो विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, जिला पंचायत, तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत हो, सवाल पूछने की हक रहता, सवाल पूछ करके ये कम से कम एजुकेशन करेसो वालों को जानकारी होता, शायद ये लोग एजुकेशन किया नहीं पता चलता। मास्टर लोग पूछते, अगर समझ में नहीं आए तो सवाल करो बोलकर मास्टर पूछते हैं, तो ये सवाल पूछने वालों को पार्लियामेंट से बाहर डालते, ये क्या मतलब है? सवाल का जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। सवाल पूछे ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो शूज के अंदर रख लेके जो धुआं निकलने का शल शल जो बॉम्ब लेकर के जाते हैं,
बॉम्ब लेकर क्यों आया, ये परमिशन दिया हुआ एक ऑनरेबल एमपी साहब प्रताप सिंहा जो मैसूर के एमपी साहब है, उन्हें लेटर किसको दिया, स्पीकर के पास जाते हैं, वो लेटर देने के स्पीकर उसका तपाशन इंक्वायरी करने के बाद सही है बोल करके पास देते हैं। तो भारत के सरकार ही स्पीकर के परमिशन से लेकर के बॉम्ब डालता पार्लियामेंट में, तो मैं बोलता हूँ ये रोड पे बॉम्ब डाले उनको क्या पकड़ेंगे आप लोग। न्याय के लिए जो बात करता किसान अगर रास्ते पे आया तो बराबर ये मरने का बॉम्ब डालते, वहाँ पर गैस का बॉम्ब पार्लियामेंट में डाल रहे, तो रास्ते में गरीब लेबर लोग हड़ताल करेंगे डिमांड करेंगे तो वहाँ पर मारते। तो ये है कि भारत में प्रजाप्रभुत्व को ख़त्म करने का ये पिक्चर के ये काम चालू कर रहे, पिक्चर अभी क्या क्या करते कि पता नहीं। तो इसीलिए ऐसा जो बदमाशी पिक्चर जो अंग्रेजों के बाद 200 साल अंग्रेज लोग भारतवासियों को गुलाम बन करके रखा था, उनके चमचा लोग रहने वाले उनके हिसाब से डाल के ये करते थे, तो ऐसे टाइम पे ये भी उनके हिसाब के लाइन के लोग, उनके दादा परदादा के जो हिसाब था आज उन्हें चालू कर रहे। पार्लियामेंट के अंदर बॉम्ब डालने का ये सिक्योरिटी नहीं है तो ये भारत में प्रजाप्रभुत्व मर गया। ये मारने वालों को मारने से नहीं होता, मारना है वोट बटन मारना है। तो आने वाले पार्लियामेंट के टाइम पे ऐसे बदमाशों को वोट के हिसाब से निकाल कर फेंकना, ये भारत के सिस्टम है। ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से आज भारत टोटल भारतवर्ष में हर जिले में ये प्रोटेस्ट करके जो गलत काम किया उसको सस्पेंड करना, पार्लियामेंट से निकाल देना, और जो परमिशन दिया स्पीकर उसको हटाना, और जो सवाल पूछने के बाद जो उपाध्यक्ष जी जो पार्लियामेंट के उपाध्यक्ष होते हैं आज कार्यक्रम का अध्यक्ष होते ऐसों को बाहर डालते बोले तो ये तानाशाही चल रहे। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा मान मर्यादा इज्जत भारत के बारे में प्यार है मोहब्बत अगर है तो प्रताप सिंह को डिसमिस पार्लियामेंट से मेंबरशिप से डिसमिस कर दो, और जो परमिशन दिया उनको ख़त्म कर दो निकाल दो, और जो स्पीकर आज करे इनका जो बाहर डालने का कोशिश करे बाहर डालने का कर दिए, ये ऑर्डर वापस लेकर के पार्लियामेंट के अंदर आने का मौका देने बोल करके बीदर कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम उनको बताए पूर्वक ये कर रहे हैं, ज़बरदस्ती से उनको जोर से पूछ रहे कि ये वापस लेना, नहीं तो बराबर आप लोग आपका तैयारी कर रहे उखाड़ लेकर जाने का, ये तैयारी हम लोग उखाड़ने का काम भी करने का हम कोशिश करेंगे। इसलिए प्रजाप्रभुत्व और संविधान और हक जो राइट टू हक राइट टू स्पीच का राइट टू सवाल करने का राइट टू फंडामेंटल राइट्स दिया है संविधान को ख़त्म जो कर रहे तो ये संविधान के हिसाब से बचाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग मिल करके आज जो साथ दिया और सभी को नमस्ते करते हुए मीडिया का शुक्रिया। सब जन मिल के एक ही आवाज़ में एक ही बात में बोलना चाहता हूँ, आज जो केंद्र में बीजेपी सरकार विफल हो गया है, हर इसमें विफल है, वो कानून में विफल हो गया है। एग्रीकल्चर का जो पहले कानून बनाया था 700 लोगों को जान देने के बाद फिर वापस लिया, अब उनके एमपी अभी हमारे सब भाइयों ने बोला एमपी जो भी एमपी है आज देश में सब पब्लिक से चुन के जाने वाले जो भी जितने भी एमपी रहते हैं लोकसभा में उन्हीं पूछते हैं उनका, तो उनको सस्पेंड नहीं करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो अनपार्लियामेंट्री कुछ भी ये नहीं करे लेकिन फिर भी सस्पेंड करे उसको हम सब मिलके जिला कांग्रेस के तरफ से हम उसको प्रतिभटना करते धिक्कार करते हैं। और बीजेपी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आप विकास के तरफ जाओ और सबका मुंह दबाने को मत जाओ, जो घटना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना जो लिखी है वो घटने के हक के तरफ से सभी एमपी बात करते हैं, अगर बात करने वाले का आवाज़ मुंह बंद करते बोले तो आपको आने वाले चुनाव में आपके देश की जनता आपका मुंह बंद करते बोल के कहते हुए मेरे दो बात समाप्त करता हूँ।